यहाँ से एक हाई वोल्टेज मुकाबला चालू हो चुका है। प्रियांशु में है पहले रेट के लिए हाजीपुर के ओवर, कोशिश करते हुए कोर फुलर पहली गेंद पर शिकार किया गया है प्रियांशु का। हमने बताया था कि इस समय गणेशी की टीम एक जबरदस्त खेल दिखा रही है। शिव के बढ़ते हुए सितारे निश्चित तौर पर इस साल वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और अपने लिए। थोड़ा सा आते हैं और यहाँ पर अन जाता हुआ समाज तो दो जीरो के लिए अति एक अच्छे रेडर हैं हाजीपुर टीम के। निश्चित तौर पर महत्व डिपेंड करेगा अतीत के कंधों पर किस तरह का प्रदर्शन वो करते हैं। जी बिल्कुल, इनके पास देखा जाए तो दो ही रेडर मेन तौर पर माने जाते हैं, कुर्सीद और एक अति। बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो दो ही रेडर मेन गणेशी के पास भी है, दो ही रेडर इधर अतीत और प्रियांशु भी आज है और खुर्शीद भी है, तो लगभग बराबरी है दोनों टीमों में। दो जीरो के लिए बिल्कुल शुरुआत में ले चुकी है टीम। शिव पहली रेड उनकी सबसे दूसरी टक्कर लेकर गए थे एक बार और यहाँ पर कोशिश करते हुए लेकिन शिव ने सीधी का शिकार की। बिल्कुल यहाँ पर जल्दबाजी कर बैठे, तीसरा पॉइंट अर्जित किया है गणेशी ने। क्या कल खजने की कहानी यहाँ पुनः दोहराई जाएगी? कल ये फाइनल विजेता है गणेशी की टीम, लगातार आज दूसरे दिन दूसरा कप उठाएगी या हाजीपुर की टीम यहाँ पर विनर होगी। शुरुआत तो काफी अच्छी रही है गणेशी की अभी तक और इस बार यहाँ पर गुच्छे में पॉइंट लेकर आए हैं, सुपर रन लगाया है खुर्शीद ने, सुपर रन लगाया है खुर्शीद ने निश्चित तौर पर और अपनी टीम को पहल दिलाई है। बराबर पर बराबरी पर आ चुकी है एक ही सुपर रन के सहारे। शुभ एक बार पूरा गए हैं अभी तक उनकी सभी बड़ा झटका कहा जाएगा ये गणेशी के लिए। चार और तीन सुपटों का लॉन है क्या यहाँ का ड्रामा कर पाएगी गणेशी? देखिए गणेशी के लिए मुश्किल ये है कि उनके मेन रेडर मुबारक और शिव एक साथ बाहर बेंच पर बैठ चुके हैं, तो एक मौका है यहाँ से ऑल आउट करने का। अगर और यहाँ पर देखना का इशारा आया है, दो पॉइंट एक रेफरी दो पॉइंट रेफरी बहन में दो पॉइंट का इशारा आया है। टाइम आउट गणेशी ने बाहुबली को मैदान में ले आया है। क्या बाहुबली का शिकार किया जाएगा या शिकार करके लेकर जाएंगे बाहुबली? अरे हो गई मैं तो घूमने वाला था। ऑल आउट हुए हैं टीम गणेशी खुर्शीद जिन्होंने पलटवार करवाया था, एक सुपर रन लगाई थी अपनी टीम के लिए। लंबे कद के हैं, उनके रीच है, भरपूर फायदा उठाते हैं उसका। जबरदस्त प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा होता हुआ हमने पहले ही बताया था, एक बहुत ही जबरदस्त स्वस्थ प्रतिद्वंद्व है दोनों टीमों में। शिव एक बार पुनः आए हैं रेड करने के लिए, कोशिश करते हुए शिव अभी तक कई पॉइंट उन्होंने अर्जित किया, हालांकि एक बार टैकल भी किया गया है उनको। एक और कोशिश शिव की, इस समय लगातार कोशिश करते हुए शिवू की कोई पॉइंट लिया जाए और यहाँ पर पूरा पॉइंट लेकर जाते हुए दो पॉइंट आया है निश्चित तौर पर। पलटवार करती हुई इस समय
और इसी की आवश्यकता है अगर कमेटी के नजरिए से देखा जाए। जबकि हाजीपुर टीम नहीं चाहेगी कि बहन को कम करने दिया जाए। अति एक बार तो ऐसा जवाब देकर आए हैं वहां पर कि कहने की बात है, इस समय रेड करते हुए लगातार कोशिश अतीत की, लेकिन शायद इस बार रेड यहां से एंटी जाएगी। मुबारक पहली बार, हालांकि बोनस लेने में तो उस्ताद है लेकिन बोनस इस समय है नहीं। इस समय शिबू एक और रेड के लिए आए हैं, पॉइंट की हो चुकी है, वो कम किया था पिछली बार शिबू ने। कोशिश करते हुए शिबू की कोई पॉइंट लिया जाए यहां पर, लेकिन रेड यहां से एंटी जाती हुई। एक और पैदवार किया यहां पर शिबू ने, लेकिन अपने आप दो मिनट बाकी है पहले हाफ में। 4 पॉइंट की बड़ा 6 और 10 है पॉइंट हाजीपुर के लिए। खुशी हालांकि उनको टैकल पिछले रेट पर किया गया था, लेकिन डिफेंडर का पैर मिड लाइन के उस तरफ आ गया, इस वजह से बच गए खुशी। कोशिश करते हुए लेकिन शायद रेड यहां से एंटी जाएगी और एंटी रेड पर वापस जाते हुए खुशी। मुबारक के ऊपर जिम्मेदारी है कि 4 पॉइंट की बढ़त को कम किया जाए यहां से। हालांकि इसके बाद अभी 10 मिनट का दूसरा हाफ बाकी है, वक्त बहुत है, देखना है कि क्या होता है यहां पर। कोशिश तो करती बहुत दूर है, 3 पॉइंट का इशारा आया है रेफरी का यहां पर शिविर के लिए, तो बहुत पूरा कम हुई, 3 पॉइंट की रह गई है। 7 और 10 हेलो भाई, किया है मुबारक का एक बड़ा शिकार किया है यहाँ पर खुशी ने। जियो का नहीं पकड़ेगा, जियो पूरा मैंने 4 पॉइंट की हो चुकी है। 11 और 7 यहाँ पर अतीक ने तो जैसे आत्महत्या कर लिया, बिल्कुल खुशी नहीं कही जाएगी। खास करके रेडर को इस तरह तो जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अब यहाँ मौका मिला है गणेश जी को पलटवार करने का, ऑल आउट करने का भी। अगर खुशी का शिकार कर लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर नुकसान पड़ जाएगी हाजीपुर की टीम, क्योंकि मेराज बाहर बैठे हैं और यहाँ सारे खुशी। 1 मिनट बाकी है, बहुत भी कम हुई है और ऑल आउट का खतरा भी मंडला रहा है। सुपर टोटल भी ऑन है, बिल्कुल सुपर टोटल तो ऑन है। क्या शिबू ऑल आउट करेंगे? साजिद ने तो ऐसा खेल दिखाया जैसे 9 से 10 कितना 10-12 10-11 मात्र 1 पॉइंट की बढ़ाई और यहाँ पर बिल्कुल अंतिम वक्त चल रहा है। आखिरी रेड पहले आपकी आखिरी रेड है, ऑल आउट होने का खतरा भी है, बिल्कुल 10 और 11 पॉइंट है और यहाँ पर बचाया किसी तरह अपने निश्चित तौर पर यहाँ पर सलमान ने कारनामा दिखाया, जबरदस्त किक लगाई गई यहाँ पर शिबू के द्वारा, लेकिन अपने आप को डिफेंड किया यहाँ पर और शिबू का भी शिकार होकर जबरदस्त तरीके से दूसरा सुपर टैकल किया गया है हाजीपुर की तरफ से। पलटवार होता हुआ लिया गया है, 15-10 जहां ऑल आउट कला हाजीपुर की टीम वही पलटवार करती हुई। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है उनके दोनों मैनेजर बेंच पर बैठ चुके हैं इस समय। बिल्कुल
अगर यहाँ से कुछ कारनामा हो सकता है कुछ नहीं होगा। देखिए रिवाइव करवाना होगा और जल्द करवाना होगा क्योंकि ये दूसरा हाफ खेला जा रहा है। बात पुनः मजबूत करती हुई यहाँ पर टीम हाजिर। उधर रडार पेनल्टी, चार भी खिलाड़ी है, क्या यहाँ से कोई टच पॉइंट किया गया है? चाहे सिद्धि हो, चाहे मुबारक हो, चाहे और भी रहेगा, तारे में तो कोई नहीं है। जरा बयान दीजिएगा क्या वाला यहाँ पर गलंडी को, जबकि मौका मिला था गलंडी को अलाउ करने का लेकिन उसमें काम तैयार हुआ। लेकिन क्या पलटवार करेगी गलंडी की टीम? आज यहाँ का ये जो ताज है कह सकते हैं जितनी तारीफ की जाए था बिल्कुल निश्चित तौर पर जब टीम पूरी तरह से सभी बाहर हो चुके थे, मेन मेन खिलाड़ी वहां पर बचाया है टीम को और यहाँ सामने वाली टीम को और खेल रही है। बिल्कुल वहां तो मैं बताया कि थोड़ा सा आपकी आत्मविश्वास में आके थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन अभी भी पूरा मौका है यहाँ पर, टाइम आउट लिया गया है पूरा यहाँ पर तो लगातार सबकी जोर खिलाई गलत पानी दे दे। अभी अभी आया है ये रेड करने के लिए क्योंकि रेडर इनके सब बाहर हो चुके हैं तो रेडर को लाया गया है एक बेंच का रेडर। पांच खिलाड़ी है, बोला कौन है नहीं, यहां से कुछ करना होगा तो टच पॉइंट लाना होगा, खास करके मुबारक और शिव को रिवाइव करवाना होगा। लेकिन ये कारनामा करेगा तो कौन करेगा? बाहुबली, चार खिलाड़ी बचे हैं, अब बाहुबली पर विश्वास जताना ही होगा। ये कैसे लोटे प्लेयर है जो सातों को लाने की क्षमता है, बताइए क्या करते हैं वो, उनका थिंक टैंक सोच रहा होगा कि क्या किया जाए क्योंकि बहुत मजबूत है, छह पॉइंट की बहुत है यहां से हाजीपुर की। अब बूथ बूथ से काम चलने वाला नहीं, बिल्कुल यहाँ पर लगातार प्रयास करना होगा, कुछ डिफेंस अच्छा मजबूत करना होगा, टैकल करना होगा, टच पॉइंट लाना होगा। रेडर पेनल्टी, मुश्किल वक्त है उनके लिए, क्या पलटवार करेगी हाजीपुर की तरह, समय गणेगी निकली थी, कोशिश करता हुआ रेडर लेकिन अपने आप को डिफेंड करती हुई हाजीपुर की टीम और इस कोशिश में आज का प्रियंशु और सर बिल्कुल जोड़ी को लाजवाब दिख रही है डिफेंस में। टीम खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन, क्या कोई सुपर टैकल करेगी? लेकिन अतीक शायद मौका ही नहीं देना चाहते हैं सुपर टैकल का क्योंकि उनका डिफेंस इस समय का मजबूत खेल रहा है कि वो देख रहे हैं कि रेडर को कुछ ना कुछ करना ही होगा पॉइंट लाने के लिए। बिल्कुल यहाँ कारनामा करना होगा तो फिर साफ वाली बाहुबली काम करवाना होगा, अगर कुछ कर सकते हैं अपने फेरबदल तो फिर साफ सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, क्या करेंगे क्या नहीं। जी हाँ वही रणनीति है टीम। इस समय छह पॉइंट की बात हो चुकी है, 18 और हालांकि वक्त है अभी भी, मुबारक है मौजूद 18 और 12 ना, क्या मुबारक कोई कारनामा करेंगे? शिवू का शिकार किया जा चुका है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है,
इस बात को कम किया जाए और यहाँ पर शिकार होता हुआ अमेरिका गणेशी के पास क्या उसमें कामयाब होगी। प्रियांशु इस समय वेट करते हुए यहां को तक का प्रयास किया गया लेकिन नाकामयाब। चार पॉइंट की बहुत मात्र बची है 14 और 18 खिलाड़ी तीन बचे हैं। ये मुश्किल है हाजीपुर के लिए। अगर यहां से काटकर पॉइंट मिल जाता है तो निश्चित तौर पर मुश्किल हो जाएगा हाजीपुर के लिए क्योंकि वक्त ज्यादा बचा नहीं है। तीन मिनट का समय से और यहां पर कोशिश में तो नाकामिया तीन मिनट बचा है और ये नौकरा चलिए क्लास लिए अपना और यहाँ पर अब उनका याद है जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यहाँ से पॉइंट लाना हो नहीं वहाँ बीच में लिए तो भाई बात है हाजीपुर विजेता और गणेडी उप विजेता। हाजीपुर को विजेता और गणेडी को उप विजेता घोषित किया जाता है। आगे दोनों टीमें अपना अपना पुरस्कार ले लें। तो यहाँ पर हाजीपुर टीम विजेता घोषित। खिलाड़ी दोनों तरफ से आप खड़ा कर ले कैप्टन महोदय। त्रिपाठी के द्वारा पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। गणेश जी टीम जो कि कुछ भी जीता रही है खजुरी में इन्होंने टीम विजेता बने थे यहाँ पर उप विजेता बने हैं। कल सिनाथपुर में भी खेलेंगे। सिनाथपुर में भी कल देखिए क्या होता है। आगे अपनी काफी लीजिए गणेश जी कैप्टन टैंकी और पहले पैर है क्या वो बाल्टी मोह देखे थे पहली बार कैसे
साहब रेफरी दोस्तों अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।